नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज, आगे हुक वाला, पीछे बोटनेक सीखेंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, हम अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं। तो ये हमारा अस्तर है, ये हमारा ब्लाउज पीस है। तो सबसे पहले हम अस्तर पे डायग्राम निकालेंगे, फिर इसके ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। देखिए, कपड़े को हमें कैसे रखना है, अपने तरफ कपड़े की बंद घड़ी होती है और सामने खुला हुआ रहेगा। तो इस तरह से कपड़े को आपको खड़े में रखना है। ये देखिए, इस प्रकार से हमें ऐसा रख लेना है। ये देखिए, इधर बंद है और इधर खुला हुआ है। तो सबसे पहले हम लेंथ देखेंगे। देखिए, आपका जो भी लंबाई रहेगा उस हिसाब से लेना है। हम आप साइज हम 40 का बता रहे हैं आपको। तो 14.5 पे हमें तैयार चाहिए और 15.5 हम इसमें 1 इंच बढ़ा के लेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे की जो लाइन है इसको कपड़े पे सीधा कर लेंगे। इस प्रकार से लाइन हम खींच दिए। अब देखिए, यहाँ से हमें 14.5 पे तैयार चाहिए, तो हम 15.5 पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हम बढ़ा कर लगाएंगे निशान। ये हमारा बैक पार्ट है। तो देखिए, 15.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमें शोल्डर, जैसे अब हम बोटनेक गला बना रहे हैं, तो बोटनेक गले में क्या होता है, शोल्डर का हाफ लिया जाता है। तो देखिए, शोल्डर हमारा जो है 16 इंच है, तो 16 का हाफ कितना आएगा, 8। तो 8 में हम इसमें 1.5 इंच मतलब बढ़ाएंगे, तो सब 8 लेंगे। आप आधा इंच भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जितना हम दबाते हैं उतना हम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम 8.25 पे निशान लगाएंगे। तो 8.25 हमारा यहाँ पे आ रहा है और इसमें हम आर्महोल रखेंगे 7.5। तो 7.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। देखिए, अगर 40 का चेस्ट हुआ, 42 का चेस्ट हुआ, तो आपको यहाँ पे आर्महोल 7.5 रखना है। फार्मूले के हिसाब से हम बता रहे हैं। और ये जो शोल्डर है यहाँ पे, ये जो हम शोल्डर की जो लाइन भी हम खींचे, तो ये जो शोल्डर है, जैसे ये नहीं कि हमारा चेस्ट बड़ा है तो हमारा शोल्डर ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तो ये शोल्डर अगर आप पूरा नापते हैं, अगर बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं, तो शोल्डर का आपको हाफ लेना है। और 1.5 इंच आप सिलाई में दबाने के लिए आप मार्जिन बढ़ा दीजिए यहाँ पर, जो हमारा दबेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 16 तैयार था हमारा, तो उसका हाफ कितना हुआ, 8। तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाया, 8.25 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाइए शोल्डर पर। आर्म हमने 7.5 लिया। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए, यहाँ पे हमारा आएगा चेस्ट। तो जैसे कि 40 का चेस्ट बना रहे हैं, तो 1/4 आएगा 10 इंच। तो हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे। अब 2 इंच हम मार्जिन बढ़ाएंगे। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से, सीधा कर लिए। अब यहाँ भी हम लेंगे 12 इंच, ऊपर लिए 12 तो नीचे लिए 12। ये हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं। तो ये देखिए, प्रिंसेस कट बना रहे हैं। ये हमारा यहाँ पे जो टक्स लगेगा, इसके लिए हमने यहाँ पे लिए। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। देखिए, ये दो तरीके से हम यहाँ पे निशान लगाते हैं। एक तो हम कमर का चौथा भाग करते हैं, उसमें 1 इंच हम प्लस करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे बाकी जो मार्जिन बचता है, 2 इंच हम मार्जिन रखते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे करते हैं। नहीं तो आपको ये लाइन को सीधा कर लेते हैं, तो यहाँ पे काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। अब देखिए, यहाँ से हम इसके ऊपर से हम यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.25 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब इसको हमें गोलाई देना है। देखिए, ये हमारा जो है बैक पार्ट है, ठीक है। तो हम इसमें यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगाए हैं। इसको इस प्रकार से गोलाई दे देंगे यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे जो हम मार्क किए थे, ये लाइन को हम सीधा कर देंगे फिटिंग वाला। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट है। तो यहाँ से हमने 1.25 इंच लिए। अभी देखिए, जब हम जैसे कि अभी इसमें थोड़ा गहराई हम देखें, जब फ्रंट पार्ट बनाएंगे, ये हम इसी डायरेक्ट आपको कपड़े पर हम बता रहे हैं। अब इसमें हम बोटनेक गला बना रहे हैं। यहाँ से देखिए, 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो 3 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से हम 3.5 लेंगे नीचे की तरफ से,
यहाँ से भी 3.5 देख लेंगे, 3.5 हमारा यहाँ पर है, इसको हम बॉक्स बना लेंगे। अब इसको हमें शेप देना है, तो इस प्रकार से हमें एक गोलाई का शेप देना है। देखिए यहाँ पे शेप दे दिए। अब ये हमारा यहाँ पे शोल्डर, ये जो है यहाँ पे आर्महोल, यहाँ से 1/2 इंच इस तरफ से ये हम क्रॉस में करेंगे। गले की तरफ से नहीं कुछ करना है, यहाँ से आर्महोल की तरफ से आपको इस प्रकार से क्रॉस में लेना है। यहाँ तक समझ गए आप? अब देखिए यहाँ से आपको 1 इंच आप 1.5 इंच छोड़ सकते हैं यहाँ से नीचे, तो यहाँ से हम 1.5 इंच छोड़ रहे हैं नीचे, 1.5 इंच नीचे छोड़े। अब देखिए यहाँ से हमें पट्टी कितना चाहिए उस हिसाब से आपको मार्जिन रखना है। हमें 3 का चाहिए तो हम 3.5 पे निशान लगाएंगे, अगर 4 का चाहिए तो 4.5 पे निशान लगाएंगे, तो इसके नीचे हमारा डिजाइन बनता है। तो देखिए हम यहाँ पे 3.5 पे निशान लगा रहे हैं, 3.5 पे हमने निशान लगा दिए। अब यहाँ पे हमें शेप देना है, तो देखिए इसमें हम कोई भी शेप दे सकते हैं। समझो हमें बूंद गले का शेप देना है, तो आपको इस प्रकार से इसमें जैसे मेजरमेंट नहीं करना होता है, सिर्फ इसको आपको इस प्रकार से डिजाइन देना पड़ता है। ये देखिए इस प्रकार से हमारा ये बूंद गला बन गया। तो यहाँ से गहराई से आया, गहराई से आने के बाद आपको इस प्रकार से शेप देते हुए आपको यहाँ पे कम कर देना है। तो इस प्रकार से हमारा ये बूंद गले का डिजाइन बन गया, ये देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमारा टक्स लगेगा, तो देखिए यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे, तो 4 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से भी हम देखेंगे 4 इंच, 4 इंच हमारे यहाँ से। तो देखिए ये यहाँ से 1 इंच का ये फ़र्क रहता है, इतना हमें सट के नहीं आना चाहिए। अगर हमारा डिजाइन फैला हुआ बन रहा है तो हमें इसको नीचे से यहाँ से 1 इंच लेना है। तो हम यहाँ पे 4 पे निशान लगाए थे, तो यहाँ पे हम नए निशान लगा रहे हैं। ये डिजाइन देखना है आपको, क्योंकि टक्स जो है ना, ये जो डिजाइन जब हमारा फैलेगा तो टक्स बैठना चाहिए, तो ये डिजाइन के नीचे से 1 इंच का फ़र्क होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपको 1/2 इंच का आप मेजरमेंट करके 1/2 इंच अंदाज के आपको ऐसा टक्स लगाना है। देखिए यहाँ से आपका 1/2 इंच छोड़ना है, और जब सिलाई हम करेंगे तो इसको ऊपर जब आते हैं तो बारीक कर देते हैं, यहाँ से आपको 1/2 इंच पकड़ना है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा बैक पार्ट तैयार हुआ। तो देखिए हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है, अब हम फ्रंट पार्ट देखेंगे। तो देखिए ये जो शोल्डर है हमारा सेम रहेगा, अब यहाँ पर हमें आर्महोल का निशान लगाना है, तो यहाँ से हम 7.5 पे निशान लगाएंगे, तो 7.5 हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से भी एक बार हम चेक कर लेंगे 1/4 इंच, क्योंकि हमने 1/4 इंच पर रखे थे, तो ये लाइन को देखना है हमें। तो 1/4 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या है, थोड़ा 1/4 इंच का फर्क हो जाता है, इसलिए हमें दोनों तरफ से नाप देख लेना है। नाप देखेंगे ना तो अच्छे से अपना लाइन आता है, सिलाई में भी फिनिशिंग में भी। ये देखिए तो यहाँ पे हमारा ये 7.5 हमने आर्महोल लिए, जैसे हमने बैक पार्ट में लिया था, और यहाँ से 1/4 इंच आप देख लेना है, आप जितना यहाँ पर रखेंगे उतना आपको चेक कर लेना है। अब देखिए अभी ये तो हम निशान लगा दिए हैं, अभी हम लेंथ देख लेते हैं, लंबाई। तो लंबाई हमारा 14.5 तैयार है, तो 15.5 हमने बैक पार्ट में लिया था, लेकिन हमारा ये फ्रंट पार्ट है, तो इसमें हम 1/2 इंच बढ़ा के ले रहे हैं, 16 इंच ले रहे हैं। 16 इंच क्यों ले रहे हैं, ये प्रिंसेस कट हम बना रहे हैं, तो जब हम टक्स लगाते हैं तो थोड़ा हमारा ऊपर जाता है, तो इसके लिए वैसे होता नहीं है, तो भी हम 1/2 इंच इसमें बढ़ा रहे हैं। तो आप भी जैसे बोलते हैं छोटा हो जाता, तो आप 1/2 इंच बढ़ा लीजिए बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट। तो देखिए यहाँ पे हम 16 इंच पे निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे लगाएंगे, 40 का चेस्ट है, 2 इंच मार्जिन, तो हो गया 12 इंच। तो हम 12 इंच का लाइन खींच लेंगे, सीधा लाइन आपको इस प्रकार से सीधा लाइन खींच लेना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे चेस्ट है 40 का 1/4 आएगा 10, तो आपका कोई भी साइज रहेगा उसका आपको 1/4 निकालना है इस प्रकार से, और 2 इंच आपको मार्जिन रखना है। तो देखिए चेस्ट का 4वां भाग 10 इंच आता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मार्क कर दिए हैं, ये लाइन को हम सीधा कर देंगे,
इस प्रकार से, और ये हो गया हमारा ए मार्जिन हो गया। आपको अभी यहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि मैंने ये बॉक्स क्यों बना लिए। ये अगर ऐसा आप बॉक्स बनाते हैं तो भी कोई बात नहीं, जैसे कि हम प्रिंसेस कट में यहाँ पे हम 1.5 इंच बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अभी हम जैसे कि 40 का चेस्ट है तो कमर हमारा कितना आएगा, 8.5 आएगा, 34 का कमर, 40 का चेस्ट में 34 का कमर आता है। तो जैसे जिसका जो भी कमर आएगा, किसी का 8 भी आता है कम रहता है कमर, तो किसी का ज़्यादा भी रहता है 9 आता है कमर, 36 का कमर हो जाता है। तो देखिए 40 का ज़्यादा करके 34 कमर आता है। तो हम कैसे करते हैं अभी इसमें कैसा प्रिंसेस कट बना रहे हैं, तो 40 का में 34 का जैसे कमर रहेगा तो 34 का 1/4 कितना आएगा, 8.5 आएगा। तो देखिए हम यहाँ पर 8.5 पे निशान लगा दीजिए, यहाँ तक समझ गए, एक कमर हो गया। अब यहाँ से हमें 2 इंच मार्जिन चाहिए, तो 2 इंच मार्जिन हमारा यहाँ पे हो गया, देखिए निशान लगा रहे हैं हाँ। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच चाहिए टक्स के लिए, जो हम टक्स अभी यहाँ पे जो दबाएंगे, तो हमारा ये देखिए यहाँ पे 1.5 इंच आ रहा है, तो ये हमारा बराबर हो गया। तो इस प्रकार से आप कमर का मेजरमेंट कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, अगर कमर हमारा ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, तो इस प्रकार से आपको निशान काउंट लगा के फिर यहाँ से 1.5 इंच आपको लेना है और इसको ऐसा क्रॉस में बढ़ाना है। तो हमने कोई कोई वीडियो में ऐसा क्रॉस में नहीं बढ़ाया है, तो हमें कमेंट आता है कि मैडम आपने प्रिंसेस कट में बढ़ाया नहीं, तो हमने क्यों नहीं बढ़ाया, हमारा जब कमर कम रहता है तो हमारा इसी में हो जाता है। अगर हाँ देखो कमर जो होता है किसी का कम ज़्यादा रहता है, किसी का 4 इंच का फ़र्क है, किसी का मतलब जैसे 6 इंच का फ़र्क रहता है, बहुत लोगों को देखिए तो 2 इंच का फ़र्क रहता है। तो इस हिसाब से हम काउंट करके 2 इंच हम ऐसे क्रॉस में बढ़ाते हैं जो यहाँ पे हमारा टक्स निकलता है, और अगर हमारा जैसे अगर ज़रूरत नहीं है तो हमारा इस तरह से हम बॉक्स बना लेते हैं, हमारा एडजस्ट हो जाता है, सही हो जाता है। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए टक्स के बारे में। तो चलिए अब हम यहाँ से ये तो अभी हमें यहाँ सेप देना है, पहले हम यहाँ बटन पट्टी निकाल लेते हैं। तो देखिए बटन पट्टी के लिए हमें यहाँ से 8.5 इंच छोड़ना है नीचे से। तो ये 8.5 हम जब यहाँ से छोड़ रहे हैं तो हमें आधा 1/4 इंच सिलाई में जाएगा, 1/4 इंच में जाएगा, तो 8 इंच का बटन पट्टी हमारा यहाँ पे तैयार होगा। तो यहाँ पर हम निशान लगा दिए। अब यहाँ पर हमने कितना लिए थे, 3 इंच, तो इसी हिसाब से यहाँ भी 3 इंच लेंगे। अब इसका हम बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए अब इसे हमें शेप देना है। तो ये जो शेप होता है खड़े में आएगा, थोड़ा ऐसा गोलाई ज़्यादा डीप में नहीं आता, क्योंकि ये हमने जो लिए 3 इंच लिए हैं, तो इसको आपको खड़े मिला के इस प्रकार से मिलाना है। ये देखिए ये प्रिंसेस कट में इस प्रकार से आएगा आपका गला। जैसे हम जो दूसरा ब्लाउज बनाते हैं नॉर्मल ब्लाउज, तो उसमें थोड़ा गहराई से आता है, इसमें इस प्रकार से आएगा। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए अभी इसमें हमें शेप देना है, तो इसमें देखिए यहाँ पे कितना 1.5 इंच का फ़र्क है, मैं आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ से देखिए कॉर्नर से देखिए, अब देखिए ये जो कॉर्नर है हमने इसमें आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, इसलिए हम एक बार आपको दिखा देंगे। तो ये हमारा ये देखिए ये लाइन जो है कॉर्नर से ये 1.5 इंच पे आ रहा है, हमारा कटिंग इस प्रकार से यहाँ से होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम 1 इंच छोड़ेंगे, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ से आपको 1 इंच छोड़ना है, यहाँ से 1 इंच, ठीक है। और इस प्रकार से 1 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से समझो 1 इंच ऐसा आपको इस प्रकार से गोलाई देना है। ये देखिए ये थोड़ा कैसा प्रिंसेस कट है ना, खड़े में आता है, इसमें ज़्यादा डीप नहीं आता है। ये देखिए तो यहाँ पे 1 इंच का फर्क है, आप बैक पार्ट में 1.5 इंच का, तो इस प्रकार से आपको देना है शेप। अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे बस्ट पॉइंट, देखियो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अब हम बस्ट पॉइंट पर निशान लगाने वाले हैं। तो देखिए बस्ट पॉइंट का निशान आप बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि हम कैसे लगाएं, तो जो हमारा चेस्ट रहता है, जैसे हमने 40 का चेस्ट लिया है, तो 40 का चेस्ट का 1/4 आता है 10, तो उसमें हम 1 इंच बढ़ाएंगे तो हो गया 11 इंच, तो हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से शोल्डर से आपका 11 इंच कहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर निशान लगाना है। तो देखिए इस प्रकार से 11 हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से हमें 4.5 लेना है, तो गले की तरफ से आपको 4.5 पे निशान लगाना है, तो 4.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यही लाइन पे है,
और यहाँ से फिर एक बार चेक कर लेंगे तो 11 यहाँ पे आ रहा है। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए ये लाइन को हमने यहाँ पे सीधा कर लिए। अब देखिए यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है, तो 1.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें हमें शेप देना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से भी शेप दे सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो हम यहाँ से करके इस, तो हम डायरेक्ट ही आपको बता रहे हैं। तो यहाँ से 1 इंच सीधा ऊपर आपको आना है। देखिए इस प्रकार से करते हुए बस्ट पॉइंट पे मिलाते हुए आपको यहाँ पे जाना है इस प्रकार से। तो यहाँ से हमने 1 इंच सीधा गए, फिर यहाँ से शेप देते हुए ये बस्ट पॉइंट हमारा आया ये पॉइंट। अब इसके बाद हमने यहाँ पे ले लिए, तो इस प्रकार से हो गया हमारा, ये निशान लग चुका है। तो इस प्रकार से आपको निशान लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा मार्जिन भी बच रहा है, इसमें हम मार्जिन नहीं बढ़ाए हैं। तो कमेंट मत कीजिएगा कि आपने यहाँ पे ये जो 1.5 इंच निकलेगा तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ा है। अगर आपका कमर अगर ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 1.5 इंच लेके ये जो टक्स निकलेगा ऐसा क्रॉस में आपको निशान लगा लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए ड्राफ्टिंग रेडी हुआ। दोस्तों देखिए हमारा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब इस बच रहा है हमारा स्लीव्स, तो स्लीव्स के लिए हमारा यहाँ पे कपड़ा बच रहा है, यहाँ पे हमारा स्लीव्स निकलेगा। तो ये हम आपको डायरेक्ट बताए हैं, आप देखिए आप पेपर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कपड़े पे मत जाइए जैसे कि आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं तो आपको कपड़ा इसमें समझना है कि कहाँ पर हमको हमारा स्लीव्स निकलेगा। तो चलिए अब इसका हम कटिंग करके हम इसको यहाँ पर स्लीव्स भी आपको कटिंग करके दिखाएंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये बटन पट्टी काज पट्टी बन सकता है, दोनों साथ में हम कटिंग करेंगे। देखिए इसमें हमारा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्रॉस का निशान नहीं लगाए, भूल गए, और इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसा क्रॉस मिलेंगे। देखिए क्रॉस में निकल गया और इसमें हमने निशान लगाए थे, ये निशान पे हम कटिंग करेंगे। देखिए अब ये क्या करना है, ये जो डिजाइन बना हुआ है आप देख रहे हैं, तो इसको हम छाप लेंगे। इसको ऐसा रख के हम आपको एक आइडिया बता रहे हैं, जैसे अगर आपका अस्तर का ब्लाउज है तो उसकी वो कैसे हम लोग कैसे पलटी करते हैं। अब एक तरफ डिजाइन बन गया है तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए अब इसको इस प्रकार से रखेंगे तो अपना छप जाता है, तो सेप नहीं सेप आता है, तो इसको बरोबर से आपको रखना है। देखिए ये जो दिल बनाए थे अब हम इसको ऐसा करके पलटी कर दिए, अब इसको हम ऐसा छाप लेंगे, तो ऐसा ऐसा कर देंगे तो हमारा दोनों पे छप जाएगा। तो ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पे छप गया। तो अब क्या करेंगे हम, अब इस पर हम चौक का निशान लगा देके इसको गाढ़ा कर देंगे। इस प्रकार जब हम गाढ़ा कर देंगे तो अभी इसको जैसे हम कपड़े के ऊपर रखेंगे ना, तो अस्तर की तरफ हम जब सिलाई करते हैं ना, ये देखिए यहाँ से जब हम यहाँ से सिलाई करेंगे तो पूरा सेप अच्छा सर, जैसे यहाँ पर हमारा ये सेप है ऐसा यहाँ पे भी आएगा और ये हमारा ये सेंटर पे आएगा। तो इस प्रकार से आपको छाप लेना है, एक तरफ हम डिजाइन बनाते हैं दूसरी तरफ हम छाप लेते हैं अस्तर पर। देखो ये भी छप गया टक्स भी, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपको ये सीधा ऐसा कैंची लाना है, अब यहाँ से आपको सेप देना है। अब इसको हम इस प्रकार से घुमा लेंगे कैंची यहाँ पे, ये देखिए घुमा लिए। अब देखिए अब ये टक्स हम यहाँ से कटिंग करके निकाल देंगे। आइए देखिए हमारा जो बस्ट पॉइंट है निशान लगा है, यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे इस प्रकार से, ताकि हमें मालूम पड़े जब हम टक्स यहाँ पर लगाएंगे तो ये निशान हमारा इसी पर आएगा और ये इस पर आएगा। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखिए अब इसको हमें दो टुकड़ा करना है, मतलब ये हमारा जैसे फ्रंट पार्ट है ना, इसको खोल लेना है। खोलने के बाद हम यहाँ से, क्योंकि ये आगे हुक वाला है ना, तो यहाँ से आपको कटिंग कर लेना है। ये देखिए हमने कटिंग कर लिए हैं, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, ये हमारा बटन पट्टी आएगा। आइए जो चीज़ है ये यहाँ पे लगेगा साइड में,
इस प्रकार से। तो देखिए अब हम स्लीव्स निकाल रहे हैं जो हमारा कपड़ा बचा था। तो ये हम जो अस्तर लिए थे 1 मीटर लिए थे। अब देखिए इसमें हमें अभी चेस्ट का 1/4 लेना है। तो 1/4 कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से 20 इंच लिए हैं, ये देखिए यहाँ पर हमारा 20 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब इसका हाफ करेंगे यहाँ पे 10, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे वैसा अगर हम निकालते हैं तो 10 लेते हैं, तो ऐसे पे हमने 20 इंच लगाया है निशान, ये देखिए यहाँ से। तो इसका हाफ किए 10, ध्यान देना है आपको। अब देखिए यहाँ पे हमारा आता है लेंथ, तो हमें लंबाई कितना चाहिए। जैसे अगर हमें 5 पे तैयार चाहिए तो हमें 6 इंच लेना है। तो देखिए यहाँ से हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। तो 6 इंच हमारा यहाँ पर, 1 इंच हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारा अस्तर का है। अब ये लाइन को हम इस प्रकार से सीधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, ये देखिए इस प्रकार से हाफ कर दिए। अब यहाँ से हमें 3 इंच छोड़ना है, कितना, 3 इंच। तो यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाए और यहाँ पे। अब देखिए अब हमें यहाँ पे शेप देना है। तो देखिए आप इस प्रकार से ऐसा हम कर लेंगे, अब इसको ऐसा फोल्ड कर लिए, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिए। अब यहाँ से 2 इंच सीधा आपको ऐसा सीधा लेना है। अब यहाँ पे हम शेप देंगे, इस प्रकार से हमने शेप दे दिए। अब ये हमारा बैक पार्ट हो गया, अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट का शेप देंगे। तो फ्रंट पार्ट का हमने यहाँ पे शेप दे दिए। अब देखिए दंड घेर यहाँ पे, यहाँ पे हम दंड घेर देखेंगे। तो आपका जो भी दंड घेर रहेगा उसका हाफ लेना है। समझो ये किसी का, ये जैसे अगर 40 का है तो किसी का 7 आता है, 7.5, 7.5 आता है। तो यहाँ पे हम 7 ही फिट का निशान लगाएंगे। तो 7 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से हमें 2 इंच मार्जिन लेना है, ये देखिए 2 इंच मार्जिन। अब ये मार्जिन हमारा इसमें जाएगा, ये जो 2 इंच हमने सीधा निशान लिए थे और इसमें हमारा ये आएगा। अब चलिए इसका हम कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बैक पार्ट का जो निशान हम लगाए थे उसको कटिंग करना है आपको। यहाँ पे आके आपका ये सीधा हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए अब यहाँ से ऐसा जो बाकी बचा था इसे निकाल लेंगे। अब इसको खोल लेंगे, अब यहाँ पे एक हम कट लगा देंगे हमारा, क्योंकि सेंटर पे है, ठीक है। अब इसको खोलने के बाद हमें शेप पे निशान लगाना है। 2 पार्ट आपको उठाना है फ्रंट पार्ट का, ये देखिए। अब यहाँ पे हम शेप देंगे। वैसे भी हमने इसका आस्तीन का वीडियो डाला है यूट्यूब पे, हमारे चैनल पर आप सर्च करके देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने, बहुत ही आसान तरीके से बताए हैं 2-3 टाइप का। ये देखिए यहाँ पे आपका ये फ्रंट पार्ट पे शेप आ गया है। तो इस प्रकार से आप आस्तीन कटिंग कर सकते हैं। हमारा आस्तीन तैयार हो गया है। अब हमारा जैसे बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट सब तैयार हो गया, रेडी हो गया। अब हम ब्लाउज पीस पे हम कैसे रखते हैं, चलिए अब हम देख लेते हैं। तो देखिए हमने जो कटिंग किए थे अस्तर पे, इस ब्लाउज पीस के ऊपर रख लिया। आपको ध्यान कहाँ पे देना है, ये हमारा जो बैक पार्ट है कपड़े की बंद घड़ी होनी चाहिए दोनों में, ये बात को आपको ध्यान देना है। और हाँ, ये फ्रंट पार्ट जो है और आस्तीन है, आस्तीन तो हमारा ऐसा सीधे में रखना है क्योंकि इसको आड़ा टेढ़ा नहीं रखना है। इसको कभी भी आस्तीन आपको सीधे में रखना है, थोड़ा भी क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको रख लेना है। अब देखिए हमारा फ्रंट पार्ट, तो फ्रंट पार्ट आप जैसे बैठ रहा है वैसे आप बैठा लीजिए खड़े में, इसमें क्रॉस व्रॉस कुछ भी नहीं करना है। इस प्रकार से हमने जगह मिल रहा था, हमने यहाँ पे बैठा दिए कटोरी और फ्रंट पार्ट को यहाँ पे लगा दिए। और देखिए यहाँ पर हमारा इस तरह से जगह बच रहा है। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आप न्यूज़पेपर पर ड्राफ्टिंग बनाइए और ब्लाउज पीस के ऊपर आप रखिए। तो ब्लाउज पीस पर रखने से क्या होता है, अब आस्तीन भी आपका अच्छे से बैठ जाता है, कटोरी भी बैठ जाएगा, फ्रंट पार्ट, तो अपना कपड़े की बचत होती है। तो जहाँ तक आपको, कोशिश कीजिए आपकी न्यूज़पेपर पे आप डायग्राम बनाइए और इसके कपड़े के ऊपर आप रख के कटिंग कीजिए, तो आपका कपड़ा बचेगा, कम नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से आपको रख के यहाँ से आउटलाइन निकाल के निशान लगा के इसको कटिंग कर लेना है। फिर इसके बाद आपको स्टिचिंग करना है। तो सखियों, जो आज का क्लास हमारा था, जो इसमें आपने सीखा, ये जो था ये बोटनेक बैक पार्ट में था, फ्रंट पार्ट में हमारा ऐसा था। प्रिंसेस कट जो होता है, एक होता है आई बोटनेक, तो दोनों हमारा इस तरफ से सेफ होता है, लेकिन ये जो प्रिंसेस कट है आगे हुक वाला हमने आपको बताया।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें अच्छे से। और वैसे तो हम आपको जो एकदम अच्छे से बता दिए कि कहीं भी आपको ऐसा डाउट नहीं लगना चाहिए। हाँ सखियों, आप जो वीडियो देखेंगे उसको आपको पूरा कंप्लीट देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप आधा पे देख के छोड़ते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो आपका देखा ना देखा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप अगर जैसे सीखना चाहते हैं दिल से तो आपको ज़रूर आएगा और आप परफेक्ट सीख जाएंगे। आप ये देखने के बाद आप न्यूज़पेपर पे ज़रूर डायग्राम बनाइए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए, कटिंग कीजिए। आपको हम तो आपको इतना सपोर्ट करते हैं कि आपको अगर नहीं समझ में आया, कहीं भी डाउट हो रहा है, तो आप हमें कमेंट करें, या हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर भी व्हाट्सअप पर भी पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएँगे। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।